गुड मॉर्निंग क्लास। स्टडी पोर्टल पे आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। और स्टडी पोर्टल पे आप विभिन्न एग्ज़ाम जैसे KBS, DSSB, NBS और CTET जैसे एग्ज़ाम्स की यहां पे तैयारी की जाती है, और साथ के साथ प्रिंटिंग नोट्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो तो चलिए हम शुरू करते हैं। और हम साइंस पढ़ रहे थे, ठीक है। साइंस के अंतर्गत हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट्स को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत हमने जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो था मैटर, सब्सटेंस और टाइप ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, पदार्थों के प्रकार, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे उससे आगे की। और सेकेंड जो मतलब इसमें टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो है पदार्थों के अवयवी कण, यानी कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मेनली जो पदार्थ होते हैं वो किन दो चीज़ों से उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। तो पदार्थ के जो अवयवी कण हैं वो मुख्य रूप से दो होते हैं। अवयवी कण या पदार्थ जिन चीज़ों से मिलकर बना है वो है कण आपका अणु और परमाणु, ठीक है ना। अणु का मतलब होता है मॉलिक्यूल और परमाणु का मतलब होता है एटम। तो मॉलिक्यूल और एटम ये दो इसके क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं किसी भी पदार्थ या सब्सटेंस के, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके देखेंगे। वैसे मेन तो हमने परमाणु को या एटम को ही देखना है, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, अणु की, अणु या मॉलिक्यूल। तो जो अणु है वो क्या होता है, किसी भी पदार्थ का वो अवयवी कण है जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है ना। तो अणु क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा पदार्थ के वो प्रकार हैं जो कि स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकता है लेकिन ये क्या नहीं होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जो तत्व के अणु या एलिमेंट के, जैसे कि H2 हाइड्रोजन। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो H और H, ये दो जो परमाणु हैं इनके एक ही प्रकार के जो परमाणु हैं उनके मिलने से बना है, तो ये क्या होगा, तत्व का अणु होगा। जबकि दूसरा होगा यौगिक का अणु या जिसको हम कहते हैं कंपाउंड, ठीक है, जो कि मैंने पहले क्लास में भी बताया था आपको। तो जो कंपाउंड का अणु होगा वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होगा, जैसे कि आपका CH4 मीथेन, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक कार्बन का और चार हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर ये बना है, कौन सा, CH4 या मीथेन का अणु। जबकि जो हाइड्रोजन है वो दोनों ही हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बना है। तो इस प्रकार से जो अणु है वो या तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है या एक से ज्यादा प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, लेकिन चूंकि ये अपने आप में क्या है, पूर्ण हो चुका है, इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, ठीक है ना। तो ये इतना काफी है अणु के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में। अब हम चलते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है, परमाणु की तरफ। परमाणु
या एटम, ठीक है। तो एटम या परमाणु क्या होता है? किसी भी पदार्थ का वह ये सूक्ष्मतम भाग है जो कि क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। तो नो फ्री स्टेट स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। लेकिन सभी प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी उसमें क्या लेगा, परमाणु भाग लेगा या उसमें पार्ट लेगा, और परमाणु जो है वो उसके अंदर वो सभी गुण मौजूद होंगे जो कि उस पदार्थ के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो ये ठीक है। अब हम बात करते हैं परमाणु संरचना, ठीक है। हमने बात की कण, अणु, परमाणु, अब हम परमाणु संरचना की बात करेंगे। परमाणु परमाणु संरचना, तो भाई परमाणु जो संरचना है उसके बारे में कई तरह की बातें 18वीं सदी 17वीं सदी से चली, ठीक है ना। तो पहले जो है, जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने 1803 में क्या बोला था कि जो परमाणु है वो एक क्या है, अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण। ये किसने बोला था? जॉन डाल्टन ने। उनके अनुसार जो है वो परमाणु जो है वो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल या कण है, और वो अविभाज्य है, यानी उसे और ज्यादा टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है। यानी उन्होंने सबसे छोटी चीज जो है वो परमाणु को ही मान लिया और उसको अविभाज्य बता दिया कि वो विभाज्य नहीं है। लेकिन 19वीं सदी तक आते आते ये और भी खोजें हुई, नए नए वैज्ञानिक आए और उन्होंने फिर ये अवधारणा स्पष्ट की कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि परमाणु पूर्ण रूप से विभाज्य है, और इसके कुछ क्या क्या होते हैं, कुछ ना कुछ कुछ फिक्स क्या होते हैं, भाग होते हैं, ठीक है ना। तो हम 19 के बारे में बात कर लेते हैं कि परमाणु के कौन कौन से भाग होते हैं। चलिए, तो परमाणु के मुख्यतः क्या होते हैं, तीन भाग होते हैं, मुख्यतः तीन भाग होते हैं। उसके अलावा बाकी चीजें बहुत डीप वाली हैं, उनको रहने दीजिए। तो तीन भाग आपने कई बार सुने होंगे, कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो ये है, अब इनके खोजकर्ताओं के नाम पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज करने वाले हैं रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की खोज करने वाले हैं चैडविक या जेम्स चैडविक, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन जो हैं मुख्य भाग होते हैं किसी भी परमाणु के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और इस संबंध में ये जो चीजें हैं ये निकल के एकदम से नहीं आई, बल्कि धीरे धीरे आई, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप होता गया, ठीक है। तो कैसे हुआ देखते हैं। सबसे पहले इसमें बहुत सारे मॉडल आए, जैसे सबसे पहले जो मॉडल आया परमाणु का वो था जेम्स जे.जे. थॉमसन का, ठीक है ना भाई। जे.जे. थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया वो था तरबूज के ऊपर बेस्ड। उन्होंने कहा कि जैसे तरबूज होता है इतना बड़ा सा, उसके अंदर क्या होते हैं, बीज धसे हुए होते हैं, उसी प्रकार से किसी भी परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इस जैसे कि उसमें बीज धसे होते हैं उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। तो जो थॉमसन है, जे.जे. थॉमसन, उनका जो तरबूज वाला मॉडल है, थॉमसन का तरबूज मॉडल,
उसमें उन्होंने बोला था कि एक इस प्रकार से ये जैसे ये एक होता है तरबूज होता है और इस प्रकार से और उसमें ये छोटे छोटे बीज धसे होते हैं, इसी प्रकार से परमाणु होता है और उसमें ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से धसे होते हैं किसी भी परमाणु के अंदर, ठीक है। तो ये जो मॉडल है ये ज्यादा नहीं चला, कुछ टाइम तक चला, लेकिन धीरे धीरे जो आगे की खोजें हुई तो उसमें ये मॉडल गलत साबित हुआ। ओके, उसके बाद जो है आए रदरफोर्ड जिन्होंने की काफी अच्छा मॉडल दिया, रदरफोर्ड तो रदरफोर्ड जो थे वो उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो था अल्फा कणों के ऊपर प्रकीर्णन का एक्सपेरिमेंट। अब उसके बारे में ज्यादा डिटेल से आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि उन्होंने क्या किया, जो सोना गोल्ड है गोल्ड की पतली एक फॉयल ली और उस पर क्या किया, अल्फा जो पार्टिकल्स हैं उनकी बमबारी या उनकी बॉम्बार्डिंग करवाई और उसके बाद उन्होंने परमाणु के मॉडल के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाले, ठीक है ना। तो उन्होंने जो परमाणु मॉडल के बारे में निष्कर्ष निकाले वो निष्कर्ष क्या थे, उसके आधार पर उन्होंने इस प्रकार का परमाणु मॉडल दिया कुछ, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई जो परमाणु का जो मध्य भाग होता है वो क्या होता है, धनावेशित होता है, ठीक है, और जो परमाणु है उसका जो अधिकांश द्रव्यमान है वो इसी मध्य भाग में केंद्रित होता है या इसमें उपस्थित होता है। तो ये जो बीच का भाग है धनावेशित, इसको उन्होंने कहा ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, तथा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके चारों तरफ क्या करते हैं, ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, इस तरीके। इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस या नाभिक जो मध्य का भाग है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और ये क्या कैसे होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज, और ये जो बीच का भाग है प्रोटॉन ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना मॉडल दिया किसके बेस पर, अल्फा कणों के प्रकीर्णन वाले प्रयोग के बेस पर, कि जो परमाणु है उसका जो मध्य भाग है वो धनात्मक है, धनावेशित है, और वो क्या है वहां पर जो पाए जाते हैं वो प्रोटॉन पाए जाते हैं और जो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो ऋणावेशित भाग होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया और ये काफी उल्लेखनीय एक खोज थी परमाणु क्षेत्र में, ठीक है ना। इसके बाद इसमें कुछ और सुधार हुए और जैसे इसमें ये इसमें भी बहुत सारी कमियां थी और उनको दूर किया नील बोर ने, ठीक है ना। इसमें कमियां ये थी कि इसमें वो ये नहीं बता पाए थे कि ये अगर ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो ये क्या करेंगे, एनर्जी को लॉस करेंगे और धीरे धीरे वो क्या आ पाएंगे, अंदर की तरफ गिरते चले जाएंगे, तो वो स्टेबल कैसे होगा परमाणु, स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे, ठीक है ना। तो उसकी स्टेबिलिटी को आगे फर्दर जो आपको जो एक्सप्लेन किया वो नील बोर ने किया, ठीक है। उन्होंने अवधारणाएं दी कि क्या उनकी अवधारणाएं क्या थी। अब नील बोर ने क्या किया, बोर तो जो बोर है उसने परमाणु मॉडल में ये बात जो रदरफोर्ड वाली बात थी वो तो रखे रखी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो नाभिक होता है ये धनावेशित है और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो विभिन्न कक्षाओं में क्या होते हैं, घूमते हैं और प्रत्येक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है, ऊर्जा स्तर है, वो फिक्स होता है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ही ऊर्जा स्तर में घूमते रहते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता है कि वो घूमते घूमते अंदर की तरफ या नीचे की तरफ प्रोटॉन की तरफ खींचते चले आए। तो उन्होंने ये इनको कहा कि ये क्या है, एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल इस तरीके से, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल इनको उन्होंने कहा कि ये क्या है, फिक्स ऑर्बिट एनर्जी लेवल है, जिनको उन्होंने कहा कि ये क्या है, कक्षाएं हैं, कक्षाएं या ऑर्बिट्स। जिस प्रकार से जो है सूर्य के चारों तरफ जो है विभिन्न प्रकार के हमारे जो पिंड हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो क्या करते हैं, निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और एक दूसरे से कभी नहीं टकराते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन है वो भी न्यूक्लियस या नाभिक के चारों तरफ
निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिस कारण से उनकी स्टेबिलिटी या स्थायित्व बना हुआ है। ठीक है, तो ये उन्होंने नील बोर ने मॉडल दिया। तो फाइनली विभिन्न जो प्रयोग हैं उनके बाद ये सिद्ध हुए कि जो ये जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन वो ऋणावेश होते हैं, और जो मध्य का भाग है न्यूक्लियस में वो धनात्मक भाग है, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक और प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है न्यूट्रॉन, और जो कि क्या होते हैं उदासीन होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, इसलिए उनका नाम न्यूट्रॉन, यानी इन पर कोई भी चार्ज आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये परमाणु मॉडल की व्याख्या होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि परमाणु मॉडल रदरफोर्ड ने दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे परमाणु संख्या की। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है? परमाणु संख्या जो है, किसी परमाणु की परमाणु संख्या का मतलब होता है उसके नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी, यानी जो नाभिक जो परमाणु क्रमांक है वो इक्वल टू होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, नाभिक में जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वो इक्वल टू होगा किसके परमाणु क्रमांक के, और वो इक्वल टू होगा किसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है उसके जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या होती है एक, इसीलिए हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक जेड है वो भी होता है एक। इसी प्रकार कार्बन होता है, वो उसके जो प्रोटॉन है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं सिक्स, इसीलिए कार्बन का जो जेड या परमाणु क्रमांक है वो भी होता है सिक्स, यानी कि जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होगा इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या जितनी न्यूक्लियस में होगी। ये सपोज इस तरीके का है, और न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन होंगे, अब देखो क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए सपोज यहाँ पर छः हैं तो उतने ही क्या होंगे इसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितना जो जेड बराबर सिक्स क्या है प्रोटोनों की संख्या है, और इतनी ही इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी, इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही होंगे जितने की प्रोटॉन्स होंगे, और उतना ही उसका परमाणु क्रमांक या जेड होगा, क्योंकि वो क्या करेगा जो पॉजिटिव है उसको बैलेंस करने के लिए उतना ही नेगेटिव चार्ज क्या चाहिए उसके चारों तरफ घूमना चाहिए। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। तो परमाणु क्रमांक जो है वो किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस एंड दैट विल इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग राउंड न्यूक्लियस। ओके, तो ये है आपका परमाणु क्रमांक। अब हम बात करेंगे परमाणु भार या, ये हो गया परमाणु संख्या, अब हम परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे जिसको हम मास नंबर कहते हैं। ठीक है, मास नंबर। तो जो द्रव्यमान संख्या या मास नंबर है वो क्या होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि टोटल जो प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं और उसमें जितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो
ये क्या निकल के आती है, द्रव्यमान संख्या या ए जिसको डिनोट करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियानों की संख्या, न्यूक्लियानों की संख्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियर। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। तो उन दोनों को हम जब जोड़ देंगे तो वो हो जाएगी द्रव्यमान संख्या या ए से उसको हम नोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका द्रव्यमान संख्या। तो आप समझ रहे होंगे कि परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर और द्रव्यमान संख्या में क्या अंतर होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कक्षा या सेल की, ठीक है। तो भाई कक्षा या सेल क्या होता है, जो परमाणु मॉडल विभिन्न आए उसके आधार पर, सभी के आधार पर निष्कर्ष ये निकला कि जो परमाणु है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। आप सब जानते हैं जो नाभिक है वो कैसा होता है, धनावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जो कि कैसे होते हैं, ऋणावेशित या नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं इस तरीके से। तो इनको क्या कहते हैं हम, ये जो चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स बने हुए हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेल या कक्षाएं, ठीक है ना। और इनको जो है हम डिनोट करते हैं किससे, सबसे जो अंदर वाली कक्षा है उसको हम के से डिनोट करते हैं, एन बराबर वन उसको हम क्या कहते हैं, के। फिर उसके बाहर आएंगे एन इक्वल्स टू टू ये वाली, तो ये एल। फिर एन इक्वल्स टू थ्री एम, यानी कि के एल एम बाहर की तरफ इस तरीके से चलते जाएंगे, के एल एम एन। तो ये जो अलग के एल एम एन और डॉट 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 आगे तक, तो इन सबसे हम इसको डिनोट करते हैं किसको, सेल्स या कक्षा को, ठीक है। और प्रत्येक कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स वो कितने हो सकते हैं, टू एन स्क्वायर के बराबर हो सकते हैं, जहां पर एन बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ आपके सेल। जैसे कि अगर मैं बोलूं फर्स्ट सेल की बात करूं, तो फर्स्ट सेल में अगर मैं एन बराबर वन रखूं तो वन का स्क्वायर वन होगा और टू इंटू वन टू ही होगा, यानी कि टू। अगर मैं सेकंड सेल की बात करूं तो यहां पर टू रखेंगे तो टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर होगा, और फोर टू जा एट, यानी कि दूसरे सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट में दो आ सकते हैं, दूसरे में मैक्सिमम एट आ सकते हैं, इसी प्रकार तीसरे में कितने आ सकते हैं, यहां पे रख दीजिए थ्री थ्री जा नाइन और नाइन टू जा एटीन, एटीन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रत्येक ये ऑर्बिट है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स है कि इतने ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पर पहले में दो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में आठ अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18, और इसी प्रकार हम टू एन स्क्वायर फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम कहते हैं सेल या कक्षा, ठीक है। अब सेकेंड जो इसके बाद हम बात करेंगे वो है सब सेल। ये तो हो गया सेल, अब हम बात करेंगे सब सेल उपकक्षा या सब सेल, उपकक्षा या सब सेल। अब हमने ये बात कर ली कि ये प्रोटॉन है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और प्रत्येक जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स है कि फर्स्ट वाले में टू आएंगे, दूसरे वाले में आठ आएंगे, तीसरे में 18 आएंगे। लेकिन इसके अलावा भी अंदर इन कक्षाओं के अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, पता करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, किस सेल में, किस सब सेल में। यानी इसके अंदर प्रत्येक कक्षा के अंदर भी हमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का पता करने के लिए, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता करने के लिए क्या होती है, उपकक्षाएं होती हैं, और उन उपकक्षाओं को डिनोट करते हैं हम किससे, एस पी डी और एफ, ठीक है ना। एस पी डी एफ इन चार चीजों से हम डिनोट करते हैं उपकक्षाओं को, और उपकक्षाओं में भी
इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है, यानी कि ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, डी में अधिकतम 10 और एफ में अधिकतम 14। तो इस तरीके से ये जो उपकक्षाएं हैं प्रत्येक कक्षा के अंतर्गत, उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसकी जो संख्या है वो निश्चित होती है, फिक्स होती है। एस पी डी एफ से उनको डिनोट करते हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, उपकक्षाएं कहते हैं। अब इनके अलग अलग टाइप के ओरिएंटेशन होते हैं, फिगर होते हैं, लेकिन वो बहुत डिटेल में जब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री को तब हम उस चीज को पढ़ते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि एस पी डी एफ क्या होते हैं, सब सेल या उपकक्षाएं होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया उपकक्षाएं या सब सेल। अब हम बात करेंगे कि हम किसकी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है। अब जैसे मैं बात करूं कैसे लिखते हैं इसको, सपोज मैं अगर आपको, पहले तो मैं आपको कुछ परमाणु क्रमांक बता देता हूं ताकि आप समझ पाए। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम 2, लिथियम 3, फिर बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, ठीक है। इतना ये आप समझ लीजिए। तो ये अलग अलग प्रत्येक तत्वों की क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, वो एटॉमिक नंबर होते हैं या परमाणु क्रमांक होते हैं। अब सपोज मुझे लिखना है किसका, आपका, मैं कार्बन को ले लेता हूँ, कार्बन। तो कार्बन का होता है 6 एटॉमिक नंबर। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा मैं, तो सामान्य तौर पर हम कैसे लिखते हैं कि पहली जो कक्षा है मैंने बताया कि उसमें फिक्स होंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 तो पहली कक्षा में चले गए, तो उसके बाद बचे कितने, 4। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपका सोडियम, तो सोडियम होगा 11, तो पहली कक्षा में 2 चले गए, है ना, तो बचे कितने हैं, 8। यानी कि आउटर इलेक्ट्रॉन में, सॉरी इसमें, हाँ ठीक है, तो पहले में 2 चले गए, दूसरे में मैंने बोला था अधिकतम जो है वो 8 रह सकते हैं, तो 8 और 2 10 हो गए, यानी 10 हो गए, और बचा कितना, 1। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितना जाएगा, 1 जाएगा, ठीक है। और जो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो बाहरी उसमें होता है, यही क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और इसको हम क्या कहते हैं, आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसको हम कहते हैं, क्योंकि यही जो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होते हैं वो क्या होता है, वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को ये तो डोनेट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और किस बेस पर करेंगे कि प्रत्येक जो परमाणु है वो अपने बाहरी ऑर्बिटल में क्या करना चाहेगा, ऑक्टेट को पूरा करना चाहेगा, ऑक्टेट यानी 8 को। अब जैसे ये इसके बाहर वाले ऑर्बिटल में 1 है, अंदर 8 है, फिर 2 है, तो ये हमेशा चाहेगा कि ये 1 जो इलेक्ट्रॉन है इसको तुरंत डोनेट कर दे, और जो ये 2 और 8 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको प्राप्त कर ले, क्योंकि वो क्या है, स्टेबल है, तो इसीलिए क्या होगा, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, ठीक है ना। तो इतना ठीक है आपके लिए, थोड़ा बहुत जितना भी इसमें समझ पाओ, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको इस तरीके से। अब ये तो केवल सिंपल हुआ कि सेल के बेसिस पे, लेकिन अगर हमें सब सेल भी इंक्लूड करनी तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है ना, सब सेल भी इंक्लूड करके अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो फिर हम क्या करेंगे। तो सब सेल इंक्लूड करके अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो उसके लिए जो होता है वो होता है आफ बाऊ का रूल, आफ बाऊ
का नियम। आप बाबू ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी सबसेल में क्या होता है, एनर्जी के बढ़ते लेवल या ऊर्जा के बढ़ते स्तर के आधार पर भरे जाते हैं, ठीक है ना। और उन्होंने एक फिगर दिया किस तरीके से, देख लेते हैं। 1s 2s, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने लिया, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो भरते हैं वो कैसे भरते हैं, 1s फिर 2s फिर 2s से 2p फिर 2p से 3s 3s से फिर 3p फिर 4s फिर उसके बाद 3d फिर 4p फिर 5s फिर 5s से आपका 4d 4d से 5p फिर 6s और 6s से 4F फिर 5D फिर 6P और 7D। यानी कि इस तरीके से एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं इलेक्ट्रॉन किसमें, सब सेल में, ठीक है। पहले बार 1S फिर 2S फिर 2S के बाद 2P में जाएंगे फिर 3S में आएंगे, 3S के बाद 3P में जाएंगे फिर 4S में जाएंगे। अब इसके मैं आपको एक करके बताता हूं तब आपको समझ आएगा ये चीज, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अगेन सोडियम का ही एग्जांपल लेता हूं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 11, तो 11 में अगर मुझे सबसेल के हिसाब से भरना है तो कैसे भरूंगा, 1s2 हो गए दो भर गए, उसके बाद 2s2 हो गए, कितने हो गए 4 हो गए। अब 2p, अब p में मैंने क्या बताया था कि अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने भरे जा सकते हैं, 6 भरे जा सकते हैं, है ना। s में अधिकतम 2 और p में अधिकतम 6, तो यहां पर 6 भर जाएंगे। तो अब कितने हुए, देखो 2, 2, 4 और 6, 10, केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो वो किस में जाएगा, उसके बाद क्या है 3s, यानी कि 3s में एक इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आपने देखा कैसे हमने भरा 1s2 2s2 2p6 3s1, क्योंकि s में तो हमेशा 2 मैक्सिमम हो सकते हैं लेकिन p में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, इसीलिए इसमें 6 गए फिर 3s में बचा हुआ 1 गया। इसी प्रकार अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, यह है 12, तो इसमें भी 1s में तो 2 जाएगा फिर 2s में भी 2 जाएगा, उस पर 2p में 6 चला जाएगा और फिर बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जाएंगे, 3s में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम सब सेल या उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं किसके आधार पर, आपबाऊ के नियम के अनुसार, क्योंकि आपबाऊ ने बोला था कि क्या होगा, ये एनर्जी का बढ़ता लेवल है, यानी कि जो 1s वाला ऑर्बिटल है उसकी ऊर्जा कम होती है, फिर 2s की ऊर्जा ज्यादा होती है, फिर 2p की और ज्यादा होती है, फिर 3s की और ज्यादा होती है, तो उसी के अनुसार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन सब सेल में फिल किए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आगे देखते हैं, फिर इसके अलावा एक और रूल दिया जो है वो है हुंड का नियम, हुंड का नियम। तो हुंड ने बोला कि प्रत्येक जो सबसेल है उसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित कब होते हैं, पेयर्ड कब होंगे, जबकि सभी संभावित कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि S जो है इस प्रकार से, जैसे मैं ये सब सेल बना रहा हूं S, तो S में अधिकतम क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में अधिकतम कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। इसी प्रकार मैं D की बात करूं तो D में अधिकतम कितने आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, जैसे ये S है
ये पी है और ये डी है, ठीक है। अब मैं मुझे इलेक्ट्रॉन भरना है, तो एस में कैसे भरूंगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से भरूंगा। अब जैसे पी में भरना है, तो पी में क्या करूंगा, सपोज एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, अब मैं डायरेक्ट यहां पर इसको पेयरिंग नहीं कर सकता हूं, पहले क्या करना पड़ेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां भरना पड़ेगा, तीसरा यहां भरना पड़ेगा, यानी कि जो तीनों सब सेल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया। अब जब चौथा इलेक्ट्रॉन अगर अवेलेबल है तो ये इसमें जाएगा और यहां पर पेयरिंग होगा, पांचवा अवेलेबल है तो यहां पर पेयरिंग होगा, अदरवाइज पेयरिंग नहीं होगी, समझ गए। अगर यहां पर केवल तीन ही इलेक्ट्रॉन है तो तीनों में एक एक जाएंगे, लेकिन कोई भी पेयर नहीं हुआ। जैसे कि ये डी है, डी में सपोज अभी मैं बोलता हूं कि डी सेवन, सेवन इलेक्ट्रॉन, तो एक गया, फिर दो यहां जाएगा, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, पांच चले गए, अब दो बचे, अब पेयरिंग होगी, छठवां ये होगा, सातवां यहां होगा। तो इस तरीके से पेयरिंग कब होगी, जबकि पहले एक एक बार सभी जितने भी सब ऑर्बिटल हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और तब वो क्या करेंगे, युग्मन करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो और ये भी याद रखना है कि हमेशा क्या होगा, किसी भी सबसेल के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्या नहीं होंगे, सेम स्पिन में नहीं होंगे, हमेशा एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है ना। तो यही हुंड का नियम है, हुंड ने बोला था कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा युग्मन तब प्रारंभ करेंगे जबकि वो क्या होगा, सभी संभावित कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसको आगे बढ़ा, आबाव के रूल को हुंड ने आगे बढ़ाया और उसमें हेल्प की एक तरह से, ठीक है। तो भाई ये है पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट किसका, आपका परमाणु का, ठीक है। अब इसमें एक दो टॉपिक और रह गए तो उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या टॉपिक रहेगी इसमें, अब इसमें हम बात करेंगे समस्थानिक, समस्थानिक जिसको हम कहते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। तो ये सिंबल है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं समस्थानिक किसको होता है, समस्थानिक या आइसोटोप्स का मतलब होता है कि ऐसे दो कोई भी मॉलिक्यूल जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो समान, ठीक है, एटॉमिक नंबर समान हो लेकिन क्या हो, एटॉमिक वेट या भार अलग अलग। जैसे कि अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो है वन इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर होगा उसको नीचे लिखते हैं और एटॉमिक मास को ऊपर लिखते हैं, तो हाइड्रोजन वन भी होता है, हाइड्रोजन टू भी होता है और हाइड्रोजन थ्री भी होता है, यानी कि तीनों बार जो है वो ये तो वन वन ही रहेगा एटॉमिक नंबर, लेकिन परमाणु भार एक भी होता है, दो भी होता है और तीन भी होता है। तो ये जो दो और तीन परमाणु भार वाले हाइड्रोजन है ये क्या कहलाएंगे, समस्थानिक या आइसोटोप्स कहलाएंगे। अगर कार्बन की बात करूं तो सिक्स सी ट्वेल्व, यानी कि ये तो होता ही है कि जो कार्बन है उसका छह होता है एटॉमिक नंबर और उसका जो एटॉमिक मास है वो ट्वेल्व होता है, लेकिन उसके अलावा कार्बन का जो है एक क्या होता है थर्टीन भी होता है, एक फोर्टीन भी होता है। तो ये जो चीजें हैं ये क्या कहलाएंगी, आपका समस्थानिक या आइसोटोप्स कहलाएंगी, जिनका कि क्या होगा, सेम क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि समस्थानिक क्या चीज होती है, ऐसे दो तत्व जिनके क्या होते हैं परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं, और इसका ही ठीक विपरीत होता है समभारिक, समभारिक या जिसको हम कहते हैं आइसो बास, आइसोबार्स। तो भाई आइसोबार क्या होगा, आइसोबार समभारिक नाम से ही लग रहा है कि समभारिक मतलब उनके क्या होंगे, भार इक्वल होंगे, एटॉमिक वेट इक्वल यानी एक जैसे लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट,
एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो जो ऑर्गन है उसका 18 होता है एटॉमिक नंबर, और जो मास होता है वो 40 होता है। अब अगर मैं ऑर्गन से आगे बढ़ूं तो पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो तो 19 होता है, लेकिन इसका जो मास है वो 40 होता है। इसी प्रकार कैल्शियम 20 होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन मास 40 होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन तीनों में इनके जो एटॉमिक नंबर है वो 18, 19, 20 अलग अलग है, लेकिन तीनों के क्या होते हैं, मास इक्वल है ना। तो ये क्या है संभारिता, जिसको कहते हैं हम, या आइसोबार्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये है भाई आपका समस्थानिक संभारिक। तो मेरे ख्याल से आज इतना काफी है। हमने पढ़ा सबसे पहले कि जो पदार्थ है उसके दो अवयवी कण होते हैं, वो होते हैं अणु और परमाणु। अणु जो है वो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, लेकिन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जो परमाणु है वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। उसके बाद जो परमाणु है उसको पहले जो जॉन डाल्टन है उन्होंने शुरुआत में बोला कि वो अविभाज्य है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन बाद में जब अलग अलग खोजें हुई, नए नए रसायनविद आए, तो उन्होंने इस पर और खोज करके पता लगाया कि हाँ परमाणु तो विभाज्य है और उसको उसके तीन भाग होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, ठीक है। अब इसके खोजकर्ता जे जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, आपको याद रखना। उसके बाद हमने बोला कि इसमें परमाणु मॉडल में सबसे पहले जो जे थॉमसन है उन्होंने तरबूज वाला मॉडल दिया। फिर उसके बाद आए रदरफोर्ड ने क्या किया कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन वाला प्रयोग करके आपका अपना मॉडल दिया, रदरफोर्ड वाला मॉडल, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रोटॉन कैसे होता है, सेंटर भाग में होता है, वो एक धनावेशित कण होता है, और वो क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो स्टेबिलिटी के बारे में कुछ जानकारी नहीं दे पाया था, जिसके बारे में आगे जानकारी नील बोर ने अपने परमाणु मॉडल में दी। और फाइनली जो मॉडल बना उसमें क्या प्रूफ हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन्स वो न्यूक्लियस या नाभिक या मध्य में होते हैं, और उसके साथ साथ वहां पर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, जो कि क्या होते हैं, उदासीन कण होते हैं, ठीक है। इस तरीके से परमाणु मॉडल सामने आया। फिर उसके बाद हमने बात की परमाणु संख्या की, कि जो किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही क्या होंगे, परमाणु संख्या होगी, और वो ही इक्वल टू होगा किसके, आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या की, यानी बराबर होते हैं तीनों के। उसके बाद द्रव्यमान संख्या को हम ए से डिनोट करते हैं, और वो किसके बराबर होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। उसके बाद हमने बात की कक्षा या सेल की, तो जो चारों तरफ सेल होती है उनको हम क्या करते हैं, के एल एम एन इस तरीके से डिनोट करते हैं, और प्रत्येक जो कक्षा है उसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो किस फॉर्मूले से निकालते हैं, 2n² से निकालते हैं, जहां पर n बराबर 1, 2, 3, 4, और उसको जब रखते हैं तो उसके बाद पता चल जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे कि पहले में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में अधिकतम 8 आ सकते हैं, तीसरे में अधिकतम 18 आ सकते हैं, तो इस तरीके से हम कक्षा को निकालते हैं। फिर उपकक्षा जो सब सेल है, सेल के अंदर भी एग्जैक्टली परमाणु कहाँ पर रहता है, इलेक्ट्रॉन सॉरी, तो उसका पता करने के लिए सब सेल होते हैं, और वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, एस पी डी और एफ, ठीक है। तो एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में अधिकतम 6, डी में अधिकतम 10, और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके बाद ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दिया कि जैसे पहले में 2 भरने हैं, दूसरे में उसके बाद 8 भरने हैं मैक्सिमम, और जो बचे हुए हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो क्या होंगे, आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद हमने बात की अपवाहो का सिद्धांत, जो कि क्या बताता है, सब सेल में किस प्रकार से हम बढ़ते हुए एनर्जी स्तर के रूप में हम इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। फिर आए हुंड ने बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कब होगी, जबकि प्रत्येक सभी कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है, तो इस तरीके से हुंड ने नियम दिया। उसके बाद समस्थानिक, जिसमें कि एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक नंबर हो जबकि इलेक्ट्रॉनिक मास अलग अलग हो, और संभारिक जिसमें कि आपका एटॉमिक मास अलग अलग हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो, ठीक है, इक्वल और एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने ये परमाणु वाला चैप्टर खत्म कर दिया, ठीक है क्लास। तो इस तरीके से हम आगे भी और धीरे धीरे सब चीजें पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।